आपको ये कार्य पूरी ईमानदारी से ही करना है ताकि मुझे आपका इम्तिहान ना लेना पड़े। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसी पैटर्न पर चलकर उत्तराखंड व पंजाब स्टेट में भी पार्टी के लोग ये कार्य 21 अक्टूबर से ही शुरू करेंगे। इस प्रकार से आप लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ इन तीनों राज्यों में यहाँ की सरकारों को सत्ता से जरूर बाहर करेंगे। अर्थात आप लोग उत्तर प्रदेश में व इससे लगे उत्तराखंड प्रदेश में भी अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार जरूर बनाएंगे। साथ ही पंजाब स्टेट में भी बीएसपी व अकाली दल गठबंधन की श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में यहां भी अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। इस भरोसे के साथ ही हम वह मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर केंद्र की सरकार से इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने की भी जोरदार मांग करती हूँ और इसके लिए इनसे ये विशेष आग्रह भी करती हूँ। हालांकि इस मामले में हमें ये मालूम है कि केंद्र में कोई भी जातिवादी सरकार जल्दी से हमारे दलित वर्ग के महान व्यक्तित्व को इस उपाधि से सम्मानित करने वाली नहीं है और इस संदर्भ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खास उदाहरण आप लोगों के सामने है। आप लोगों को मालूम है कि बाबा साहब ने तो देश का संविधान बनाया और जब केंद्र में अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई, राज्यों में भी रही, तो कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती थी कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया और नतीजा क्या हुआ, हमारे लोग इसके लिए काफी संघर्ष करते रहे लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि दलितों को और खासकर बाबा साहब को ये सम्मान मिले। उसके बाद जब बीएसपी बनी और 1989 में जब केंद्र में जनता दल की सरकार बनी श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में और कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और मिली जुली सरकार बनी तो श्री उस समय हमारी पार्टी के 3 एमपी जीत कर आए थे, मैं खुद भी जीत कर आई थी 1989 में बिजनौर से। तो उस समय श्री बीपी सिंह जी ये चाहते थे कि हम लोग सरकार में शामिल हो जाएं। हमने श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हमें कोई मंत्री का पद नहीं चाहिए, हम केवल दो ही आपसे मांग कर रहे हैं, एक तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए और दूसरा मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए। तो श्री बीपी सिंह जी ने हमारी बात को मान लिया और श्री बीपी सिंह जी की सरकार में ही बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया और पिछड़े वर्ग की मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। लेकिन ये बीजेपी को उस समय अच्छा नहीं लगा, जो आज जनगणना का भी विरोध कर रहे हैं ओबीसी का, और उन्होंने श्री बीपी सिंह की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने दी और उनकी सरकार गिर गई। इसलिए अब चाहे ये पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी, इसलिए कांग्रेस ने यदि ऐसा किया होता तो आज कांग्रेस की हालत ऐसी नहीं होती। इसलिए अब चाहे ये पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी दलित को किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री तथा पार्टी का हेड भी क्यों ना बना दे, तो भी दलित वर्ग के लोग बाबा साहब का ये अपमान भूलने वाले नहीं है। इसके साथ ही पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को भी ये सभी महत्वपूर्ण पदों पर भी क्यों ना रख लें, तो भी इस वर्ग के लोग कांग्रेस को जल्दी से माफ करने वाले नहीं हैं, जिसने केंद्र में अपनी सरकार के रहते हुए इनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया था। इसी प्रकार अब कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे की आड़ में खासकर सिख समाज को लुभाने के लिए कितनी भी नाटकबाजी क्यों ना कर ले, तो भी देश में सिख समाज के लोग कांग्रेस के राज में हुए सिख दंगों को आसानी से भुलाने वाले नहीं है। संक्षेप में अब मेरा
यही कहना है कि केंद्र में जब तक जातिवादी सरकारें चलती रहेंगी, जातिवादी मानसिकता वाली सरकारें चलती रहेंगी, तो तब तक यहाँ दलित वर्ग के महान व्यक्तित्व को आसानी से भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया जाने वाला है। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी का माननीय श्री कांशीराम जी को ये सम्मान दिलाने का प्रयास हमेशा जारी रहेगा। वैसे भी किसी भी मामले में कांग्रेस में अन्य जातिवादी पार्टियों को भी यहाँ दलित आदिवासी व पिछड़े वर्ग के लोग केवल इन्हें अपनी मुसीबत वे मजबूरी आदि में ही याद आते हैं। ये सब हमें पिछले महीने पंजाब स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिला है। इसे भी हमारे लोगों को जरूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं माननीय श्री कांशीराम जी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ तथा मेरे बाद यहाँ भारी संख्या में आप ये देखो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है और जितने लोग अंदर हैं इससे काफी ज्यादा लोग बाहर भी हैं। तो आप लोग अपने खुद के साधनों से चलकर, तो कल से आप लोग इधर आए हुए हैं, आपको जब मालूम पड़ा कि माननीय श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर मैं खुद यहाँ पर स्मारक स्थल पर पहुँचने वाली हूँ, तो मेरे मना करने के बावजूद भी आप लोग नहीं रुके और बड़े पैमाने पर आप लोग यहाँ पर लाखों लाखों की संख्या में इधर पहुँचे हैं। इसके लिए तो मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है, खास तौर से जो विरोधी लोग ये कहते हैं कि बीएसपी कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रही है, मेरे ख्याल अभी तक पिछले कई महीनों में जितने प्रोग्राम कांग्रेस ने, सपा ने, बीजेपी ने किए हैं, जितनी भीड़ उनके प्रोग्राम में अभी तक आई है उससे कई गुना भीड़ आज बीएसपी के अकेले एक प्रोग्राम में आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, मीडिया को देखने के लिए मिल रही है। तो अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं माननीय श्री कांशीराम जी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ तथा मेरे बाद या भारी संख्या में आए पार्टी के लोग भी खासकर कोरोना नियमों का पालन करते हुए पूर्व की तरह ही पूरे अनुशासित तरीके से इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके तब फिर अपने अपने जिलों में सावधानी पूर्वक वापिस चले जाएंगे और फिर ये लोग पार्टी के आज घोषित किए गए कार्य में पूरे जी जान से जुट जाएंगे। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।